हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीतू क्रिएटिव कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज जो हम क्राफ्ट बनाएंगे वो इस फ्यूज बल्ब से बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले इस बल्ब को बॉल पुटी के डो से कवर करेंगे। बॉल पुटी का परफेक्ट डो बनाने के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। पूरी डो को अच्छी तरह से कवर करने के बाद इसे हम पानी की हेल्प से स्मूथ कर लेंगे और इसे सूखने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छी तरह से सूख जाएगा तब हम इस पे आगे की डिटेलिंग करेंगे। तो हमारा बेस सूख गया है, अब हम इस पे डिटेलिंग कर लेंगे। मैं इस पे बॉल पुटी से ही डिटेलिंग करूँगी। मैंने बॉल पुटी को इस पे चिपकाने के लिए सिर्फ पानी का यूज किया है। बॉल पुटी से हम कोई भी क्राफ्ट बनाते हैं तो वो बहुत ही कम खर्चे में बनके तैयार होती है और वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है। पर जो हम बॉल पुटी से क्राफ्ट बनाते हैं उसे बनाने में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है, क्योंकि बॉल पुटी को बैलेंस करना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए अगर आप बॉल पुटी से क्राफ्ट बनाना चाहते हैं तो पहले कोई छोटी मोटी क्राफ्ट बनाएं और क्राफ्ट के अकॉर्डिंग बस आप थोड़ा सा बॉल पुटी का डो तैयार करें, क्योंकि हम बॉल पुटी के डो को ज़्यादा लंबे टाइम तक यूज नहीं कर सकते हैं। इसे हम सिर्फ और सिर्फ 8 से 9 घंटे तक ही यूज कर सकते हैं। हम जो बॉल पुटी का डो तैयार करते हैं उसे तैयार करने के बाद एक गीले कपड़े में लपेट के रख देते हैं और वो जैसे जैसे सूखने लगता है तो उसके बाद फिर से हम बॉल पुटी में 3 से 4 बूंद पानी मिक्स करके उसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। पर इस प्रोसेस को भी हम ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जब भी क्राफ्ट बनाने के लिए बॉल पुटी का डो तैयार करते हैं तो आप अपने क्राफ्ट के अकॉर्डिंग ही बॉल पुटी का डो तैयार करें। तो फ्रेंड्स, हम इस फ्यूज बल्ब से स्नोमैन बना रहे हैं और इसे बनाने में जो हमारा पैसा खर्च हुआ है वो 10 रुपये से भी कम है। हमने जो यहाँ पे बॉल पुटी यूज किया है वो 4 से 5 रुपये की है और जो कलर यूज किया है वो 3 से 4 रुपये की है। और जो बल्ब है वो तो हमारे घर में ऐसे ही बेकार पड़ी हुई थी तो हमने उसका यूज कर लिया है। तो इसी तरह से आप भी बहुत ही कम खर्चे में सुंदर क्राफ्ट बना सकते हैं और अपने घर को डेकोर कर सकते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, हमारा क्राफ्ट बनके तैयार हो गया है। देखिए ये बनने के बाद कितना सुंदर लग रहा है। ये बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो गया है, तो आप भी इसे ज़रूर बनाएं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह के बजट फ्रेंडली क्राफ्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत जल्द फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।